ग्वालियर में एक साइकिल शॉप की संचालक से गियर वाली साइकिल खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक लिंक भेजी। लिंक पर क्लिक करते ही 8600 रुपये अकाउंट से निकल गए, जबकि आने चाहिए थे। इस पर शॉप संचालक ने साइकिल खरीदने वाले को कॉल किया। वह उससे बात करती रही और कुछ ही देर में उससे अकाउंट में 83,000 रुपये निकल गए। घटना पिछले सप्ताह की है, लेकिन पीड़ित शॉप संचालक ने रविवार को शिकायत की है। साइकिल खरीदने वाले ने खुद को फौजी बताया था और झांसी में साइकिल की डिलीवरी देने के लिए ऑर्डर की थी। अब साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंदे की छावनी स्थित लक्ष्मण तलैया निवासी नीतू शर्मा व्यवसायी हैं। उनकी साइकिल की शॉप है, वह शॉप से ऑनलाइन साइकिल सेल भी करती हैं। साइबर सेल में नीतू शर्मा ने शिकायत की है कि कुछ दिन पहले मोबाइल पर कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम अनिल कुमार बताया, कहा कि वह झांसी में रहता है और सेना में पदस्थ है। इसके बाद उसने साइकिल झांसी कोरियर करने की बात की। उसे बेटे को गिफ्ट देनी थी, जिस पर उसने ऑनलाइन ही एक गियर वाली साइकिल पसंद की थी, जिसकी कीमत 8300 रुपये थी। जब नीतू कोरियर करने को तैयार हो गई तो अनिल कुमार ने उससे भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा। अनिल कुमार ने उसे ऑनलाइन भुगतान के लिए उसका फोन पे नंबर लेकर 200 रुपये ट्रांसफर किए और उसके बाद कॉल कर बताया कि शेष पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए वह लिंक भेज रहा है। इसके बाद सेना के जवान ने नीतू के मोबाइल पर 8600 रुपये की लिंक भेजी। जैसे उसने लिंक ओपन की तो उसके कुछ ही देर बाद उसके खाते में आने के बदले 8600 रुपये कट गए। जब ट्रांजेक्शन लिंक ओपन करते ही व्यापारी महिला के खाते से 8600 रुपये आने की जगह निकल गए, तो उसने अनिल कुमार से बात करने का प्रयास किया। इसी बीच उसके खाते से 16,200, 24,300, 16,999, 9,300 और 8,800 रुपये निकाले गए। मामला समझ में आते ही उन्होंने बैंक कॉल कर खाता ब्लॉक कराया और मामले की शिकायत साइबर सेल में की, जिस पर साइबर सेल ने ठगी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला है जो साइकिल स्टोर चलाती है, उनको किसी ने अप्रोच किया था कि मुझे साइकिल ऑनलाइन पेमेंट की उसमें बात हुई थी। जो फ्रॉडस्टर है उसने पहले उनको कुछ पैसे भेजे, उसके बाद में एक लिंक भेजा कि आप इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगी तो एक जो भी मेरा पेटीएम वॉलेट वगैरह है वो खुलेगा, मैं उसके थ्रू आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे उस महिला ने उस पर क्लिक किया तो उसका 81,000 रुपये का लॉस हुआ और फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया। उसमें हमने FIR दर्ज कर ली है।